महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 36 पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। ग्रीष्म की शांत रात्रि थी, सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्रीरामपुर में आश्रम के दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? मेरे इस सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ हुआ है। और उनकी आंखों में श्रद्धा चमक उठी। उन्होंने कहा, हाँ अमर गुरु का दर्शन करने का मुझे 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम साक्षात्कार प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। भारत में स्मरणातीत काल के धार्मिक कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों के कारण लक्ष लक्ष जनता का आध्यात्मिक लक्ष्यों पर अनवरत ध्यान बनता रहता है। हर 6 या 12 वर्ष के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू सब प्रकार के हजारों साधुओं योगियों स्वामियों और सन्यासियों के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। इन साधु सन्यासियों में ऐसे भी होते हैं जो केवल मेलों में आकर संसारी नर नारियों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी भी अपने एकांत स्थान से बाहर नहीं निकलते। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जब बाबा जी के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ तब मैंने सन्यास नहीं लिया था, पर लाहिड़ी महाशय से मैं क्रियायोग की दीक्षा पा चुका था। उन्होंने 1894 ईस्वी के जनवरी महीने में प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए मुझे प्रेरित किया था। कुंभ देखने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनमेदिनी और कोलाहल को देखकर मैं भ्रमत सा रह गया। मैं चारों ओर सावधानी से देखता चल रहा था, परंतु किसी सद्गुरु का तेजस्वी चेहरा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। गंगा पुल के पास से जाते हुए मैंने निकट ही एक परिचित मूर्ति को हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़े देखा। वास्तविक परिस्थिति से अवगत होकर मैंने विचारा, ओह यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट की अपेक्षा अन्य कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि जो पाश्चात्य वैज्ञानिक परिश्रम और धैर्य से ज्ञान का क्षेत्र मानव जाति के प्रत्यक्ष कल्याण हेतु बढ़ाते रहते हैं, वे भगवान को इन आलसी साधुओं की अपेक्षा अधिक प्रिय हैं, जो धर्म का उपदेश तो देते हैं पर जिनका ध्यान सदैव भिक्षा मांगने में लगा रहता है। समाज सुधार विषयक मेरे इन विचारों में हठात बाधा पहुंची, जब एक लंबा सन्यासी मुझे पुकार कर मेरे सामने खड़ा हो गया। महाशय, उसने कहा, आपको एक साधु महात्मा बुला रहे हैं। वे कौन हैं? आइए और स्वयं देखिए। इस संक्षिप्त परामर्श पर मैं हिचकिचाहट के साथ उनके पीछे पीछे चला। शीघ्र ही मैं एक वृक्ष के पास पहुंच गया जिसकी डालियों के नीचे आकर्षक शिष्य मंडली से घिरे हुए एक गुरु बैठे थे। अलौकिक तेजो मूर्ति और चमकते हुए कृष्ण नेत्रों वाले गुरु मेरे पहुंचते ही उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। उन्होंने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, स्वागत है स्वामी जी। मैंने जोर देते हुए कहा, महाराज मैं स्वामी नहीं हूं, दैवादेश से मैं जिसे स्वामी उपाधि प्रदान करता हूं वह उसका परित्याग नहीं करता। यद्यपि साधु महाराज ने अत्यंत
साधारण भाव से ये शब्द कहे, तथापि उनकी वाणी में सत्य का बल झलक रहा था। मैं तत्क्षण ही आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलौरें लेने लगा। प्राचीन स्वामी पदवी पर अचानक आसीन होने पर हंसते हुए मैंने अपने को गौरवान्वित करने वाले नर देहधारी उस देवतुल्य महान गुरु के चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी ने वस्तुतः वे बाबा जी ही थे, मुझे वृक्ष के नीचे अपने पास के एक आसन पर बैठने का संकेत किया। वे शरीर से हृष्ट पुष्ट और युवा थे तथा देखने में लाहिड़ी महाशय के ही सदृश थे। यद्यपि मैं इन दोनों गुरुओं में विचित्र साम्य के विषय में सुन चुका था, तथापि उस समय यह समानता मेरे ध्यान में नहीं आ पाई। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को जन्म लेने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि महागुरु की यह इच्छा थी कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्ण रूप से प्रकृतिस्थ रहूं। वे यह नहीं चाहते थे कि मैं उनका परिचय पाकर स्तंभित हो जाऊं। कुंभ मेले के संबंध में आपका क्या विचार है? मैंने कहा, महाराज मुझे अत्यंत निराशा हुई है, किंतु साथ ही मैंने तत्क्षण यह भी कह दिया कि आपका दर्शन हुआ था तो, परंतु मैं समझता हूं कि साधुओं का इस कोलाहल से कोई मेल नहीं खाता। गुरुदेव ने कहा, बच्चे अनेक लोगों की गलती के कारण सबको ही गलत मत समझ लो। पृथ्वी पर हर वस्तु रेत और शक्कर की तरह मिश्रित है। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल चीनी को चुन लेती है और रेत के कण का स्पर्श तक नहीं करती। यद्यपि बहुत से साधु यहाँ माया और भ्रांति के वशवर्ती होकर भटक रहे हैं, तथापि इस मेले में कई आत्मदर्शी साधु भी पधारे हुए हैं। मेले में इस महान गुरु के साथ अपने साक्षात्कार की बात स्मरण कर मैंने शीघ्र ही उनके कथन से सहमति व्यक्त की। मैंने कहा, महाराज यहाँ जमा हुआ अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान यूरोप और अमेरिका के सुदूर स्थानों में निवास करने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के विषय में मैं विचार कर रहा था। वे भिन्न भिन्न पंथों के मानने वाले हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। यदि उन्हें भारत के धर्म गुरुओं का साक्षात्कार प्राप्त हो तो उनका भारी उपकार हो सकता है, किंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेकानेक पाश्चात्य विद्वान कट्टर भौतिकवादी हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, किंतु वे यह नहीं मानते कि सभी धर्म मूलतः एक हैं। उनका धर्म एक दुर्लभ्य बाधा है जो उन्हें हम लोगों से चिरकाल के लिए पृथक रखे हुए हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि पूर्व और पश्चिम में तुम्हारी समान रुचि है। पूर्वी और पश्चिमी सब देशों के लिए द्रवीभूत हो उठने वाले तुम्हारे विशाल अंतःकरण की व्यथा का मुझे परिचय है, इसी कारण मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। पूर्व और पश्चिम दोनों को मिलकर कर्म और आध्यात्म के समन्वय से युक्त सुनहरे मध्य वर्ग की कल्पना करनी चाहिए। वे कहते गए, बौद्धिक प्रगति के क्षेत्र में भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। उसके प्रतिदान के रूप में भारत ऐसी सार्वजनीन प्रणालियों की शिक्षा दे सकता है जिनके द्वारा पश्चिमी देश योग विज्ञान की सुदृढ़ नींव पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। स्वामी जी, भविष्य में पूर्व और पश्चिम के बीच
सौमनस्य पूर्ण आदान प्रदान में आपको योगदान करना है। कुछ वर्षों पश्चात मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसको आप पश्चिम में योग के प्रचार के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहां के अनेक धर्म पिपासुओं के आकुल आत्माओं के स्पंदन बाढ़ की भांति मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि अमेरिका और यूरोप में भावी संतानों की आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई उन्हें जगाए। अपनी कथा के इस स्थल पर श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी ओर पूर्ण दृष्टि से देखा, फिर उज्जवल चांदनी में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, जिस शिष्य को मेरे पास भेजने का बाबा जी ने वचन दिया था वह तुम ही हो। मैं यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि स्वयं बाबा जी ने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचा देने की अदृश्य व्यवस्था की थी। फिर भी अपने पूज्य गुरु और आश्रम की सुखद शांति को छोड़कर सुदूर पश्चिम में जाकर रहने की कल्पना मुझे अत्यंत कठिन लगी। तत्पश्चात बाबा जी भगवद गीता के संबंध में बोलने लगे। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, उनके मुख से अपनी प्रशंसा के कुछ शब्द सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मुझे यह आभास मिल गया कि उन्हें इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि मैंने गीता के विभिन्न अध्यायों की टीका लिखी है। महागुरु ने कहा, स्वामी जी, मेरा अनुरोध मानकर आप और एक काम करें। हिंदू और ईसाई धर्म शास्त्रों के बीच विद्यमान मूलभूत एकता पर आप एक संक्षिप्त पुस्तिका क्यों न लिखें? दोनों शास्त्रों से समानार्थी उद्धरण देकर आप यह स्पष्ट दिखा दें कि ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों ने एक ही सत्य का उपदेश किया है और केवल मनुष्यों के सांप्रदायिक अज्ञान अंधकार के कारण ही वह एकता ढक गई है। मैंने जरा संशय के साथ प्रतिवाद के स्वर में कहा, महाराज, यह कैसी विचित्र आज्ञा है? क्या मैं इसकी पूर्ति करने में समर्थ हो सकूंगा? बाबा जी ने एक मधुर हंसी हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, यह संदेह क्यों? फिर उन्होंने आश्वासन के भाव से कहा, वस्तुतः यह सब काम किसका है और सभी कर्मों का कर्ता कौन है? ईश्वर में मेरे मुख से जो कुछ कहलवाया है उसका सत्य सिद्ध होना अवश्यंभावी है। साधु महाराज के आशीर्वाद से मेरे मन में एक नए बल का संचार हुआ और मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। अब विदा लेने का समय हो गया है। यह जानकर मैं अनिच्छापूर्वक पर्णासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। महागुरु ने प्रश्न किया, क्या आप लाहिड़ी को जानते हैं? वे एक महान आत्मा हैं। उनसे हम लोगों के साक्षात्कार की बात बता दें। तत्पश्चात उन्होंने लाहिड़ी महाशय के लिए मुझे एक संदेश दिया। विदा होते समय मैंने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए वचन दिया, आपकी पुस्तक पूरी हो जाने पर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए विदा। दूसरे दिन मैंने प्रयाग छोड़ दिया और ट्रेन पर सवार होकर काशी के लिए चल पड़ा। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने उन्हें कुंभ मेले में मिले अपूर्व संत की सारी कहानी विस्तार के साथ सुना दी। लाहिड़ी महाशय की आंखें आनंद से नाच उठी। उन्होंने कहा, ओह, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? हाँ, सच है कि तुम उन्हें पहचान न सके होगे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें पहचानने नहीं दिया। वे ही हैं मेरे अद्वितीय गुरुदेव, ईश्वर रूप बाबा जी। बाबा जी? मैंने विस्मित होकर दोहराया, योगी श्रेष्ठ बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी। ओह, यदि आज वह दिन एक बार और लौट आए और मैं उनका दर्शन पा सकूं,
तो मैं उनके चरण कमलों में लोट लोट कर भक्ति निवेदन द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करूं। लाहिड़े महाशय ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें पुनः दर्शन देने का वचन दे रखा है। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, महागुरु ने मुझको आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लाहिड़ी को बता देना कि इस जीवन के लिए संग्रहित शक्ति अब बहुत कम मात्रा में शेष रह गई है और वह लगभग चुक गई है। मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाहिड़ी महाशय की सारी देह इस प्रकार थर थर कांपने लगी मानो बिजली छू गई हो। क्षण भर में वे बिल्कुल शांत निस्तब्ध हो गए। उनका सदा का स्मित वदन तत्क्षण कठोर हो उठा। लकड़ी की मूर्ति की भांति अपने स्थान पर वे गंभीर और निश्चल रूप से बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मैं भयभीत होकर घबरा उठा। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी घबरा कर चारों ओर देखने लगे। इस प्रकार निस्तब्धता के बीच 3 घंटे बीत गए। इसके बाद लाहिड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता पुनः लौट आई और प्रत्येक शिष्य के साथ उन्होंने स्नेह के साथ बातचीत की। सबने चैन की सांस ली। गुरुदेव की इस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत है जिससे लाहिड़ी महाशय यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनके भयंकर और गंभीर मौन से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं पर संयम कर भौतिक विश्व के प्रति अपनी आसक्ति की अंतिम डोर काट दी थी और वे चिरंतन परमात्म तत्व के साथ जा मिले थे। उक्त संदेश द्वारा बाबा जी ने अपने ढंग से कहा था कि मैं सदा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। यद्यपि बाबा जी और लाहिड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें संदेशों के परस्पर आदान प्रदान के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि सभी महान गुरु मानवी नाटक में भाग लेने की कृपा करते हैं। बीच बीच में वे किसी संदेश वाहक के द्वारा अति सामान्य रीति से अपनी भविष्यवाणियां भेजा करते थे ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके संबंध में बाद में जानकारी पाने वाले अधिकाधिक मनुष्यों में दिव्य श्रद्धा दृढ़तर हो सके। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, शीघ्र ही काशी से श्री रामपुर आकर मैं बाबा जी के अनुरोध के अनुसार शास्त्रीय लेखन कार्य में जुट गया। पुस्तक लेखन आरंभ करने के साथ ही मुझ में अमर गुरु के प्रति एक स्त्रोत्र काव्य लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। मैंने इसके पूर्व कभी भी संस्कृत में कविता लिखने का प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी से अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रवाह फूट पड़ा। रात की निस्तब्धता से मैं बाइबल और सनातन धर्म के शास्त्रों की तुलनात्मक समालोचना लिखा करता। ईसा मसीह की वाणी का उदाहरण देकर मैंने यह बताया कि उनके उपदेशों के सारांश और वेदों में अंतर्निहित सत्य मूलतः एक है। परम गुरु की कृपा से द होली साइंस नामक मेरी पुस्तक अल्प समय में ही पूरी हो गई। मेरे गुरुदेव ने बताया, उस साहित्यिक कृति को पूर्ण करने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल मैं गंगा स्नान करने के लिए यहाँ अर्थात श्रीरामपुर के राय घाट पर चला गया। उस समय घाट बिल्कुल सूना था। मैं थोड़ी देर धूप में खड़े होकर वहाँ की शांति का आनंद लेता रहा। फिर गंगा में डुबकी लगाने के बाद मैं घर की ओर लौट पड़ा। उस निर्जन शांति में केवल एक ही ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वह थी हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की फदफदाहट। नदी तट के पास ही एक वट वृक्ष था। मैं जैसे ही उस वृक्ष के पास से गुजरा,
मेरे मन में पीछे घूमकर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। मैंने दृष्टि पीछे घुमाई, पर यह क्या देखता हूं तो वट वृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे हुए महान बाबा जी बैठे हुए हैं। उसी समय महागुरु का मधुर कंठ स्वर फूट पड़ा, स्वामी जी स्वागत है। मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं। उन्होंने पुनः कहा, मैं देखता हूं कि आपने सफलतापूर्वक पुस्तक लिख डाली है, अतः अपने वचन के अनुसार मैं आपको धन्यवाद देने आ पहुंचा हूं। धड़कते हृदय से मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, परम गुरु जी, मेरा घर निकट ही है, प्रार्थना है कि श्रीमान अपने चरण रथ से उसे पवित्र करने की कृपा करें। परम गुरु ने स्मित हास्य के साथ अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं बच्चे, हमारे जैसे लोगों के लिए वृक्ष की छाया ही पर्याप्त है, यहां हमें पूरा आराम है। तब मैंने कातर नयन उनकी ओर देखते हुए निवेदन किया, परम गुरु महाराज, तब यहां पर ही थोड़ी देर ठहरिए, मैं कुछ मिष्ठान लेकर पुनः सेवा में लौटता हूं। किंतु जब मैं कुछ मिनटों में ही स्वादिष्ट मिठाइयां लिए लौटा, तब उस विशाल वट वृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं पता नहीं था। मैंने घाट के आसपास चारों ओर खोजा, चाहे मैं मन ही मन जान गया था कि संत मंडली हवा के पंख पर अदृश्य हो गई है। हृदय को गहरा आघात लगा। मैंने मन ही मन संकल्प किया, यदि अब पुनः भेंट भी होगी तो मैं बाबा से नहीं बोलूंगा। उन्होंने इस प्रकार अचानक प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई है, निश्चय ही यह गुस्सा प्रेम का था, अन्य कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए काशी गया। मैंने जैसे ही बैठक खाने में प्रवेश किया, मेरे गुरु ने मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया और कहा, स्वागत युक्तेश्वर, क्या मेरे कमरे के द्वार पर बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? नहीं तो, मैंने अचकचाकर उत्तर दिया। अच्छा, मेरे पास आओ। लाहिड़ी महाशय ने धीरे से मेरे ललाट का स्पर्श किया और तत्क्षण मुझे द्वार के निकट खिले कमल के समान बाबाजी की जीवंत मूर्ति दिखाई पड़ी। मुझे पुराना आघात याद हो आया। मैंने मान के कारण उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत आश्चर्यित दृष्टि से मेरी ओर देखा। बाबा जी असीम स्नेह के साथ मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझसे बहुत नाराज मालूम होते हो। मैंने उत्तर दिया, नाराज क्यों ना हो महाराज, आप अपने जादुई दल के साथ आकाश में से आए और आकाश में ही अंतर्धान हो गए। बाबा जी ने मृदु हास्य के साथ कहा, मैंने तुमसे यह कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, किंतु यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पास कितनी देर ठहरूंगा। तुम उस समय बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी चंचलता की आंधी में मैं आकाश में ही उड़ गया था। इस निर्व्याज स्पष्टीकरण से मैं एकदम संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों में नत जानू होकर प्रणाम किया। महागुरु ने स्नेह के साथ मेरे कंधों को थपथपाया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम और अधिक ध्यान किया करो, तुम्हारी दृष्टि कभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य के प्रकाश के पीछे छिपा था, परंतु तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गिक मधुर वंशी ध्वनि के समान ये शब्द कहने के साथ साथ बाबा जी गुप्त ज्योति में
अदृश्य हो गए। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरु दर्शन के लिए यह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार गृहस्थ योगी लाहिड़ी महाशय के जीवन का अंत निकट आ गया था। 1895 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में उनके दृढ़ शरीर के पृष्ठ प्रदेश में एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने नश्तर लगवाना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अपने देह पर अनेक शिष्यों का कर्म फल भोग रहे थे। बाद में जब अनेक शिष्य शल्य क्रिया करा लेने पर बहुत जोर देने लगे, तब गुरुदेव ने यह गूढ़ उत्तर दिया, शरीर जाने के लिए कोई कारण तो चाहिए, तो भी तुम लोग जो करना चाहो करो, मैं नहीं रोकूंगा। थोड़े ही समय बाद अद्वितीय गुरु ने काशी में देह त्याग कर दिया, इसलिए उस छोटे बैठक खाने में उनका दर्शन करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब तो मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से ओतप्रोत है। कई वर्षों बाद मुझे लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी के मुख से इनके तिरोधान के समय का आश्चर्यजनक वर्णन सुनने को मिला था। केशवानंद जी ने मुझे बताया, लाहिड़ी महाशय के देह त्याग से थोड़े पहले की बात है, मैं हरिद्वार में अपने आश्रम में बैठा था, इतने में वे अचानक मेरे सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, अविलंब काशी पहुंचो, और इतना कहकर लाहिड़ी महाशय पुनः अदृश्य हो गए। मैंने तत्काल ही काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। गुरुदेव के घर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां बहुत से शिष्य एकत्र हैं। गुरुदेव उस दिन घंटों गीता की व्याख्या करते रहे। तत्पश्चात उन्होंने सरल भाव से कहा, अब मैं घर जा रहा हूं। इतना सुनते ही चारों ओर से अदम्य शोक से विह्वल सिसकियां फूट पड़ी। लाहिड़ी महाशय ने कहा, शांत हो, मैं पुनः आऊंगा, और इतना कहकर वे अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और पद्मासन लगाकर वे उत्तराभिमुख होकर बैठ गए तथा परिपूर्ण आध्यात्मिक गरिमा के साथ अंतिम महासमाधि में लीन हो गए। भक्तों के लिए प्राण प्रिय लाहिड़ी महाशय के सुंदर शरीर का परम पुनीत गंगा के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोचित विधि से दाह संस्कार किया गया। दूसरे दिन 10 बजे जब मैं काशी में ही था, मेरा कमरा एक अपूर्व ज्योति से आलोकित हो उठा। आश्चर्य, देखता हूं तो मेरे सामने रक्त मांस शरीर में लाहिड़ी महाशय खड़े हैं। यह शरीर पुराने शरीर जैसा ही दिखाई दे रहा था, केवल इतना अंतर अवश्य था कि वे पहले की अपेक्षा अधिक युवा और अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे वार्तालाप भी किया। केशवानंद, यह मैं हूं, उन्होंने कहा। अपने भस्मीभूत शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपनी आकृति की नई सृष्टि की है। संसार में मेरे सारे गृहस्थ कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं, पर मैं इस पृथ्वी का पूर्णतः परित्याग नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय व्यतीत करूँगा और तत्पश्चात उनके साथ ही अनंत ब्रह्मांड में वास करूँगा। कई आशीर्वचनों का उच्चारण करने के पश्चात अप्रतिम महान गुरुदेव अदृश्य हो गए। मेरा हृदय एक आश्चर्यजनक प्रेरणा से भर गया। ईसा मसीह और कबीर के देह त्याग के बाद उनका जीवंत दर्शन पाकर उनके शिष्यों के मन में जिस प्रकार के
अपूर्व भाव का संचार हुआ था, उसी प्रकार मुझे भी आध्यात्मिक लाभ हुआ। केशवानंद जी ने कहा, हरिद्वार स्थित अपने एकांत आश्रम में लौटते समय मैं अपने साथ थोड़ी सी गुरुदेव की चिता भस्म भी लेता गया। मैं जानता था कि वे देश काल में बंधे देह पिंजर से निकल गए हैं, सर्वव्यापकता रूपी पक्षी मुक्त हो चुका है, तो भी उनके पवित्र भस्मावशेष को वेदी पर प्रतिष्ठित करने से मेरे हृदय को एक अपूर्व शांति मिली। एक अन्य शिष्य को भी पुनराविभूत गुरुदेव का दर्शन पाने का सौभाग्य मिला था। वे थे साधु प्रकृति पंचानन भट्टाचार्य। मैं उनके कलकत्ता स्थित घर गया था। उन्होंने महान गुरु के साथ व्यतीत किए गए अपने जीवन की कई रोमांचक कहानियां सुनाई। अंत में पंचानन बाबू ने बताया, अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे के लगभग लाहिड़ी महाशय जीवंत रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए। यह उनके जीवन की सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना थी। द्विशरीरी साधु स्वामी प्रणवानंद ने भी अपना एक अतींद्रिय अनुभव मुझे सुनाया था। मेरे रांची वाले विद्यालय की अपनी यात्रा के समय स्वामी प्रणवानंद जी ने मुझसे कहा था, लाहिड़ी महाशय के देह त्याग के थोड़े दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने मुझे अविलंब काशी पहुंचने के लिए लिखा था, तथापि अपरिहार्य कारणों से मैं तत्क्षण प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंब हो गया। प्रातःकाल 10 बजे के लगभग मैं काशी के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहा था कि अपने कमरे में अपने गुरु की आलोकपूर्ण मूर्ति को उपस्थित देखकर अत्यंत आह्लादित हो उठा। लाहिड़ी महाशय ने कहा, अब काशी जाने की क्या जल्दी है? अब तो तुम मुझे वहां कभी भी नहीं देख पाओगे। उनके शब्दों का अर्थ समझ में आते ही मैं भग्न हृदय होकर क्रंदन कर उठा। उस समय मैंने यह विश्वास कर लिया कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं बल्कि स्वप्न दर्शन कर रहा हूं। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए मेरे निकट आकर कहा, मेरे रक्त मांस के शरीर को छूकर देखो, मैं सदा की भांति जीवित हूं, शोक मत करो, क्या मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं? लाहिड़ी महाशय के इन तीन महान शिष्यों के मुख से एक आश्चर्यजनक सत्य की कहानी निःसृत हुई है। लाहिड़ी महाशय के पार्थिव शरीर के चिताग्नि में भस्मीभूत किए जाने के बाद दूसरे दिन ठीक 10 बजे तीन भिन्न भिन्न नगरों में तीन भिन्न भिन्न शिष्यों के समक्ष महान गुरु का पुनर्जीवित किंतु रूपांतरित शरीर जीवंत रूप में प्रकट हुआ था। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मृत्य जीवन अमरत्व प्राप्त करेगा, तब बाइबल में लिखित यह उक्ति चरितार्थ होगी, मृत्यु विजित हो चुकी है, ओ मृत्यु तुम्हारा देश कहाँ है, ओ शमशान तुम्हारी विजय कहाँ है। इति परिच्छेद 36 समाप्त।